ओहो, तो भाई जिनको नहीं पता आज मैच का आखिरी दिन था और अंग्रेज जीत गए, इंग्लैंड वाले जीत गए, बिल्कुल पाकिस्तानियों की ना इधर तक जीत आई। एंगल ठीक नहीं आ रहा होगा, ये देखो यहाँ तक आई थी। अंग्रेजों का यही काम होता है, ऐसे छीन के ले जाते हैं। हमारे जैसे मियां नवाज शरीफ को इन्होंने छीन के ले गए हैं, अभी ये मैच भी छीन के ले गए हैं। हमें कभी तो खुश हो लें दो। तो भाई अभी चलते हैं अपने मैच की तरफ, और सबसे पहले हम आते हैं हमारे रिजू भाई। अच्छा खेल गए थे, फिर आउट हो गए, हमारी उम्मीदें डूब गई। फिर हमारे आए अजहर अली, जिनकी कल उंगली पे बॉल लगा था उन्होंने छोड़ दिया। फिर अभी वो आए, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ये बंदा जिता के छोड़ेगा हमें, हम जीत गए हैं, इतनी उम्मीदें मेरी थी, वो भी आउट। और फिर हमारे जो मैंने कल जिक्र किया, हमारे 45 साल के एंडरसन भाई, 5 विटके लिए उस बुड्ढे ने। तो फिर मैंने सोचा इन्हें सरफराज को क्यों नहीं खिलवाया, वो भाई धोखा देता ही नहीं है, उसने ना ही धोखा देना था, हम जीत जाते। लेकिन वो सरफराज को लाए नहीं, और बुढ़ा आदमी एंडरसन 5 विकेट ले गए। तो भाई बेशक हम हार गए, लेकिन एक दो तो चीज़ अच्छी देखने को मिल गई है, जैसे नसीम शाह की बैटिंग, भाई इतना उन्होंने अच्छा खेले ना, सिर्फ 80 स्कोर रहता था लेकिन वो अकेले कर नहीं सकते थे, और उन अंग्रेजों ने विकेट ले ली। तो यही बुरा हुआ है, लेकिन नसीम, हमें अपनी टीम में यही ऐसे बंदे चाहिए जो आखिर तक खेले, पूरा अपनी जान लगा दें लेकिन आखिर तक खेले, जैसे नसीम शाह। बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, पर 80 स्कोर रहता था। उन्होंने बड़ी कोशिश की है रात हो जाए, ड्रॉ हो जाए किसी तरह, लेकिन उन्होंने रात होने से पहले अंग्रेजों ने आउट कर दिया। तो भाई अगर हमारे इस टेस्ट मैच की इनिंग्स पे, तो हमारे सबसे पहले आते हैं बॉबी भाई, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और उन्होंने जो सेंचुरी बनाई, वो सेंचुरी नहीं, उन लोगों के मुंह पे चपेड़ थी जो कहते हैं इसे कैप्टनसी से हटाओ। तो भाई मेरी बात सुनो, हर बंदे की अपनी एक फॉर्म होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, और जो इसके बुराइयां करते हैं ना, उन्हें मैं ये बता दूं, ODI पे नंबर 1 है, टेस्ट मैच में नंबर 3 है, और T20 में नंबर 4 है। तो भाई पूरी दुनिया में सारे इस बंदे की कदर करते हैं, और जो अपने जो इसके अपने हैं पाकिस्तान के, वो हमेशा इसकी बुराइयां करते हैं, इसे जज करते हैं, ये क्या है। तो भाई जैसे कि मैंने कल कहा था कि पिच वाली बात बहुत ज़रूरी होती है, ये मुल्तान और कराची वालों को भी कर लेनी चाहिए, पिच अच्छी बनानी चाहिए ताकि उनको भी गालियां नहीं पड़े। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला है, और स्टॉक्स उनका कैप्टन, उसने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया है हमें बैटिंग दे के, और डिक्लेयर कर दिया था उसने, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और उन्होंने रिस्क भी लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खेला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और मैच आए हों, टेस्ट मैच जैसे इंग्लैंड के हैं, पाकिस्तान के हैं। और मैंने आपको दो और चीज़ें बोली हैं, फिर आपकी मैं जान छोड़ रहा हूँ, कि जो बांग्लादेश और इंडिया का हुआ है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा मज़े का मैच था। और जब विराट कोहली की बारी आती है ना, वो हमेशा पाकिस्तान से पता नहीं क्या दुश्मनी है, वहीं जाके वो सेंचुरी बनाता है, सब कुछ उसने ही करना होता है जब पाकिस्तान के साथ होता है, वैसे तो कोई इतना खेलता नहीं है वो। और जब बांग्लादेश की बारी आए तो उसका कैप्टन बांग्लादेश का शकीम या शाकिब पता नहीं क्या है, उसने भाई 5 विकेट ले के मज़ा आ गया, और आखिरी पे आके ना एक बंदा बचा था, 9 आउट हो गए, एक बंदा बचा था, उसकी वजह से हम उन्होंने वो इंडिया से जीत गए। तो मैं मुबारक देता हूँ अपने बांग्लादेशी भाइयों को, आपको मुबारक हो जीत की, और मैं हमेशा उम्मीद करूँगा कि ऐसे मैच और आते हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको आज कल पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।